यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिल्पा शिंदे को आप जानते ही होंगे अगर बिग बॉस देखते होंगे, क्योंकि शिल्पा शिंदे एक ऐसी अदाकारा जिसको देश के सभी लोग जानते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और मुंबई कांग्रेस में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दर्ज करवा दी है। ये तस्वीरें भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी है। देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो यार? दो मिनट रुक जाओ, इनका होने दो। चलो स्किल जिसको जाना है बाहर जा सकते हैं। उनका जोश, उत्साह और यह उन्माद देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन इसी प्रकार का जोश और उत्साह इस समय पूरे देश में है और पूरा देश जो वर्तमान व्यवस्था है उससे नाराज है, हताश है। अब पूरे देश में एक परिवर्तन का मूड बन रहा है। हमने नारा भी दिया, वक्त है बदलाव का। तो यह वक्त, बदलाव का वक्त आ चुका है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो राइट थिंकिंग वाले लोग हैं, जो इस देश की जो मूल विचार हैं, जो मूल्य हैं, सिद्धांत है, उनमें विश्वास करने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे स्वयं कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आज हमारे बीच तो देश के लिए ही किया है जो कुछ भी किया है, तो हमारी कोशिश वही जारी रहेगी। ये सिर्फ पार्टी की सदस्यता तक सीमित है, चुनाव प्रचार करेंगे, आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की भी, आप टिकट की भी मांग करेंगे? देखिए ये तो अभी फिलहाल प्रोसेस में है। वही जैसे संजय जी ने कहा, मैं मिलने आई थी, मैंने अपना जो मुझे मेरी इच्छा है, इच्छा जाहिर की थी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मुझे पसंद है और कांग्रेस में मुझे वो पावर लगती है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगा। जिस तरीके से देश फिलहाल चल रहा है तो बदलाव होना और भी बहुत जरूरी है। आपको लगता है अगर कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी इलेक्शन लड़ने की तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे मिलेगा मौका तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि वैसे ही मैं हर घर में हम लोग जा चुके हैं, हमें एक एक्टर तौर पे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इस चीज को भी आजमाए कि हम देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कराई है शिल्पा शिंदे को, जो कि भाभी जी घर पर है, फेम अदाकारा है और वाकई में लोग इन्हें जानते भी हैं। कांग्रेस को शायद फायदा हो भी जाए थोड़ा बहुत चुनाव में।